नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज। निषादों का वोट अब ना बिकेगा और ना ही गुमराह होगा, ये बातें कही हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने। आपको मालूम है कि मुकेश सहनी इन दिनों संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी क्रम में मुकेश सहनी की ये संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश भी पहुंचती है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर मुकेश सहनी का खूब जोरों से स्वागत भी होता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मुकेश सहनी की ये रथ यात्रा पहुंचती है और यहाँ पर लोगों ने दिल खोलकर मुकेश सहनी का समर्थन किया, दिल खोलकर मुकेश सहनी के लिए खूब नारे भी लगाए हैं। और आपको बता दें कि यूपी पहुंचकर मुकेश सहनी ने योगी आदित्यनाथ को भी खूब ललकारा है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, एक बार आप वो सुनिए। 2024 में चुनाव होना है साथियों, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ विपक्ष को भी प्रधानमंत्री बनना है। ना ही आपको और ना ही हमको बनना है, हमें हक और अधिकार चाहिए। और एक तरफ दीजिए और एक हाथ से लीजिए, अगर नहीं आप हमारी सुनेंगे तो हम आपके नहीं सुनेंगे, ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। उन लोगों को घमंड है क्योंकि बड़े लोग हैं, हमारे पूर्वज को 75 साल से पैरों तले दबा के रखा था, गुलामी की जंजीर बांध के रखा था, उसमें से हम लोगों ने संघर्ष करके आज खड़ा हुए हैं। उन लोगों को खबरम है कि चुनाव का समय होगा और निषाद का बेटा का वोट खरीद लेंगे और जब वोट बिक सकता है तो इनके लिए क्यों काम करें, उनको भरम है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि 2023 का निषाद का बेटा अब वोट बेचने के लिए नहीं है, अपने समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार है। तो इसलिए साथियों, आपको और हमको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। और जो भी समाज का भलाई चाहते हैं, चाहे जो भी नेता हो, मैं खुले मन से मैं स्वागत करता हूं कि आइए समाज के लिए खड़ा होइए। आज देखिए ना, यहाँ पे मुलायम सिंह यादव जी सीएम रहे, अपने समाज को संरक्षण दिए। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी एक ही जान से दोनों अलग अलग राजनीति किए और अपने अपने क्षेत्र में अपने समाज के लिए बहुत कुछ किए। आज मुझे जरूरी नहीं है उत्तर प्रदेश आने का, अगर आप अगर स्वयं अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं तो मैं क्यों आऊं, मैं अपने राज को देखूं। लेकिन आप अच्छे से नहीं लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि दिल्ली को अगर फतेह करना है, जब तक तीनों राज का निषाद भाई एक साथ नहीं होगा तब तक दिल्ली पे हम कब्जा नहीं कर सकते, जब तक दिल्ली पे नहीं चढ़ाई कर सकते। बड़े बड़े लोगों का हमेशा नीति रहा फूट डालो राज करो, आज भी लोगों को लगता है कि हम फूट डालेंगे राज करेंगे। लेकिन हम सभी को एक होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा, अपने घर परिवार को सत्ता पावर से दूर करके त्याग करके समाज के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने बिहार से लड़ाई लड़ते लड़ते आज उत्तर प्रदेश में आया था, क्या मैं उत्तर प्रदेश विधायक बनने के लिए आया था, क्या मैं मंत्री बनने के लिए आया था? मैं तो ऑलरेडी उत्तर बिहार में मंत्री बना हुआ था और वो भी मजबूत मंत्री था। एक होता नेता, एक होता लॉर्डर, मैं वहां पे लीडर था, ना ही कि मैं किसी के पीछे घूमने वाला। आज आपकी सरकार में आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या हैसियत है? आपने बीच में आपने रोया कि हमारे माननीय योगी जी 25 करोड़ रुपया का योजना नहीं सैंक्शन कर पाया, आप रो रहे। और आप उनके साथ रहिएगा और नहीं भी रहिएगा तो उस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनकी सरकार अपनी मजबूती से चल रहा है और वो आपको अपने सामने में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस समाज के साथ खड़ा हो जाइए, और जब इस समाज के साथ खड़ा हो जाइएगा तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में आप जैसे मुलायम सिंह यादव जी एक लाइन में बड़े नेता कहलाए, आप भी आने वाला समय में इतने बड़े नेता हो सकते हैं। क्योंकि आज हमारा संख्या कम नहीं है साथियों, लेकिन आप गुलामी करते हैं, आप एक समय उनसे लड़ते थे और आज आप उनके साथ हैं, आज उसको आप भगवान मान रहे हैं। अगर आपका भगवान है तो हमें आरक्षण कर दे, अगर बताए कि मोदी जी कि हम अगर गलत मांग कर रहे हैं तो हम चार कदम पीछे हट जाते हैं। मोदी जी हर संडे को आते हैं ना, मन की बात करते हैं। मोदी जी बताए कि निषाद समाज जो आरक्षण मांग रहा है वो जायज है या नाजायज है, अगर नाजायज है तो मैं आज चार कदम पीछे हटता हूं, अगर मेरी मांग जायज है तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी, आपने भी संकल्प लिया है, आपने भी संकल्प लिया है
कि गरीब समाज का कल्याण करेंगे। आप अपने संकल्प को पूरा कीजिए और गरीब को सम्मान दीजिए और हमें आरक्षण दीजिए, तब हम आप समझेंगे कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे, ये जाति और धर्म में बदलेंगे। आज हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, आज हमारे बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए। लेकिन देश में राजनीति क्या हो रहा है? मंदिर की राजनीति हो रहा है। अरे मंदिर तो दिल में बनाएंगे हम, ये समाज का काम है मंदिर बनाना, पंडित जी का काम है मंदिर बनाना, या मौलवी जी का काम है मस्जिद बनाना। एक नेता का काम नहीं है कि मंदिर और मस्जिद बनाकर अपने वोट मांगने का काम है। एक नेता का काम है रोड बनाना, बिजली पहुंचाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये है सरकार का काम। नहीं कि सरकार का काम है मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करने का। तो इसलिए साथियों आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष ऐसे नहीं करना पड़ेगा, हर किसी को संकल्प लेना पड़ेगा, उन लोगों को बताना पड़ेगा कि अब निषाद का बेटा जाग चुका है, अपना वोट बेचेगा नहीं, निषाद का बेटा अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। साथियों इसलिए साथियों तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? ये आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंचेगा साथियों। अगर आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो हाँ बोलिए, हाँ ये आवाज पहुंचेगा। आपको संकल्प लेना पड़ेगा, जब आप संकल्प लीजिएगा तो ये वीडियो रात को मोदी जी तक पहुंचेगा। क्योंकि हम लोग जितना भी कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग सोशल मीडिया के जरिए देखते होंगे, बिहार में अगर कोई पूछता है कि भाई क्या चल रहा है तो बोलेगा यहाँ गंगा जल चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, पूरा बिहार पवित्र हो रहा है। जैसे देखे हो ना टीवी में ऐड, पूछता क्या चलता है तो बिहार में अगर कोई पूछे कि बिहार में क्या चल रहा है तो लोग बोलेगा यहाँ गंगा जल चल रहा है, और गंगा जल में हर एक एक कोना में निषाद का बेटा पवित्र होने का काम कर रहा है और संकल्प ले रहा है कि हम अपने आने वाला समय में अपने बेटे बच्चे के लिए एक रोटी कम खाएंगे लेकिन उसको पढ़ाएंगे। हम अब संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, खून पसीना बहाएंगे, लेकिन आरक्षण लेके रहेंगे। आज हमने नारा दे के आया है कि जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे साथियों। तो इसके लिए आप सभी के पास गंगा जल का बोतल आया होगा। ऐसे तो उत्तर प्रदेश से ही गंगा माता बहती हुई बिहार जाती है, और बिहार में गंगा जल को कलेक्ट करके अब बोतल आपके बीच में लाए हैं। सभी साथी सभी हमारे नेता माता बहन के पास मिला है, वो सब गंगा जल लीजिए हाथ में, ढक्कन को खोलिए और नेता लोग को दीजिए। क्योंकि चुनाव में अक्सर नेता ही जो है ना पहले बदल जाता है और जब बाद में जनता बदलता है, तो सभी नेता को संकल्प करवाइए और संकल्प कीजिए हम लोग गंगा के संतान हैं, देश के हर एक निषाद गंगा के पुत्र है और हम गंगा माता के सौगंध खाएंगे कि आने वाले समय में हमें कैसे जिंदगी जीना है। और हाथ ऐसे उठाइएगा तब ना मोदी जी को लगेगा कि आप लोग संकल्प ले रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। आपको मालूम है कि मुकेश सहनी इन दिनों संकल्प यात्रा पर निकले हुए। आपको ये भी मालूम है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने साफ कह दिया है कि अगर आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और अगर वोट नहीं तो फिर दिल्ली की गद्दी नहीं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि मुकेश सहनी ने साफ साफ कह दिया है कि वो यहीं पर नहीं रुकने वाले। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि निषादों को जब पश्चिम बंगाल में आरक्षण दिया जा सकता है तो फिर बिहार यूपी और झारखंड में क्यों नहीं। तो अब देखना होगा कि आगे वो क्या कुछ करते हैं। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।